ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को करीब 2486 करोड़ रूपये की किस्त जारी की। और बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान घायल, 203 माओवादियों के भी घायल होने की खबर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। इनमें 9 विधायकों को शामिल किया गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, लखनलाल दिवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा शामिल हैं। मंत्रिमंडल में 4 पूर्व मंत्रियों के साथ ही 5 नए सदस्यों को जगह दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य में 12 मंत्री हो गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। इस तरह मंत्री का एक पद अभी रिक्त है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नवनिर्वाचित विधायक, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय में मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर और मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। इससे पहले राज्यपाल ने बीते 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव और विजय शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और विभिन्न निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुआ सट्टा और शराब की अवैध बिक्री के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व के प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निराकरण में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम और इससे बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के बहुरूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नए रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है और मौजूदा टीके इससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। JN1 चीन, ब्रिटेन, भारत और अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में पाया गया है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को करीब 2486 करोड़ रूपये की किस्त जारी की है। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 11 दिसंबर को जारी की गई किस्त के अतिरिक्त है। इस राशि से राज्य सरकार को समाज कल्याण तथा अधोसंरचना विकास की योजनाओं के वित्तीय पोषण में मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों से मिली राशि में से छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि राज्य को हस्तांतरित करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार से उसना चावल के उपार्जन की अनुमति मिलने पर कहा कि डबल इंजन की सरकार होने से राज्य को यह फायदा मिला है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से उसना चावल उपार्जित किए जाने की अनुमति काफी दिनों से लंबित थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को 21 दिसंबर को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में सेंट्रल पूल में चावल उपार्जन का कोटा 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 74 लाख करने और राज्य से 59 लाख मीट्रिक टन अरवा तथा 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लिए जाने का अनुरोध किया था। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है। वहीं मुठभेड़ में 2 से 3 माओवादियों के भी घायल होने की खबर है।
मिली जानकारी के अनुसार जांगला थाना क्षेत्र के ग्राम पोटेनार के जंगल में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और बस्तर फाइटर के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान पोटेनार के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 2 से 3 माओवादियों को गोली लगने की संभावना जताई गई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाया गया 5 किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया है, जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने यह विस्फोटक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भैरंगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बेलचर मार्ग पर लगाया था। उधर दंतेवाड़ा जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र में माओवादियों ने बारसुरपल्ली मार्ग पर पेड़ काटकर और पत्थर रखकर आवागमन बाधित कर दिया। बालोद जिले में आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले के मरकाटोला घाट में एक यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें 3 सवार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दुर्घटना के बाद बस चालक और परिचालक फरार हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक जताया है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने दुर्घटना में मृत 3 यात्रियों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने तथा घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा मोबाइल वैन आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम नवागांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत के निर्माण में सहभागिता निभाने की शपथ ली। कार्यक्रम में ग्रामीणों को ओडीएफ प्लस होने का अभिनंदन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, साथ ही गर्भवती महिलाओं को सुपोषण किट वितरित किया गया। वहीं बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत विजयनगर गमहरिया सिहार लडवा महुली और गोवर्धनपुर में आयोजित विकसित भारत कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को जैविक खेती के उपयोग पोषक आहार और स्वच्छता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। इसी तरह कोंडागांव जिले के फुका गिरोला बड़े सिलाटी बड़े खौली पड्डे जुगानी कलार और सिरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीणों ने भारत को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प लिया। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में कबीरधाम जिले के बीरू टोला गांव के जनेलाल पटेल ने बताया कि उन्हें इस योजना से काफी मदद मिल रही है। मेरा नाम जनेलाल पटेल, गांव बीरू टोला का रहने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि 2000 रुपया 4 महीने में देते हैं और वो पैसा हमको बहुत काम आते हैं। 4 महीना में और 2000, 4 महीना में और 2000, जैसे जैसे मौका मिलता है वैसे वैसे हमको पैसा मिल जाते हैं, तो उसके खर्चा हम करते हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम जनेल इसी गांव की रुक्मणी पटेल ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनने से गांव का वातावरण स्वच्छ हुआ। मैं रुक्मणी पटेल हूँ और गांव का नाम बीरू टोला हवे। पहले शौचालय नहीं रही था, सब महिला मन बाहर जाए पड़े, देखकर वजह से बहुत दिक्कत आए। अब जब शौचालय बन गए तो बहुत अच्छा लगते, आस पास के वातावरण भी एकदम शुद्ध रहते। स्वच्छ भारत अभियान चलाई देखकर से सब बहुत खुश है। नरेंद्र मोदी बहुत बहुत धन्यवाद की सब घर में शौचालय बनवाई से। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन खोखरा मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के युवा जीडी ट्रेड ट्रेड्समैन तकनीकी और क्लर्क ट्रेड में अपना कौशल दिखा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस सेना भर्ती में कुल 5558 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से 2001 ने दौड़ की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहीं आज हवलदार सर्वेक्षक स्वलेखक की भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 15 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से 9 उम्मीदवार दौड़ में सफल रहे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार हृदयाघात के प्रति लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत
एम्स रायपुर द्वारा चलाए जा रहे सीपीआर प्रशिक्षण पर एम्स के फिजियोलॉजी विभाग की अतिरिक्त प्राध्यापक तथा इस अभियान के प्रमुख डॉक्टर जय श्री घाटे से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 23 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार पिंगुआ को उनके वर्तमान प्रभार के साथ उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हिंदी अनुवादक परीक्षा 31 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश पद के लिए साक्षात्कार 2 से 11 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने और उनके अपमान के विरोध में राजनांदगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस ने जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को करीब 2,486 करोड़ रुपए की किस्त जारी की। और बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 1 जवान घायल, 2 से 3 माओवादियों के भी घायल होने की खबर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।